Hello students and welcome back. In this video, we are going to talk about parametric form of a function. Parametric form क्या होता है? तो अभी तक हमने जितने भी functions पढ़े, y और x के बीच में जो relations पढ़े, वो direct relations हैं. Mathematical relations are directly y in terms of x. Y is equal to x square, y is equal to x cube, y is equal to sin x, tan x, y is equal to e to power x, y is equal to log x. ये सब डायरेक्ट रिलेशन है y और x के बीच में. पर कई बार हमें ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता, डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता. y डायरेक्टली x के टर्म्स में नहीं दिया गया होता है, बल्कि y और x दोनों ही किसी और थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिखे जाते हैं. जैसे y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t f t एंड x इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल t g t. तो y भी t पर डिपेंड कर रहा है, x भी t पर डिपेंड कर रहा है. मतलब डेफिनेट सी बात है, y और x के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, क्योंकि t के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे x की एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी. तो x और y की वैल्यूज के बीच में भी रिलेशन हो गया. इस तरीके से जब कोई फंक्शन एक्सप्रेस किया जाता है तो हम कहते हैं ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन है, y और x के बीच में ऐसा रिलेशन. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से हमें दे रखा है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर और x इज इक्वल टू दे रखा है 2t. तो y भी t पर डिपेंड कर रहा है, x भी t पर डिपेंड कर रहा है. तो दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन. अब इस फॉर्म से आप डायरेक्टली नॉर्मल वाले फॉर्म में आ सकते हो जिसमें y और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. कैसे? इन दोनों एक्सप्रेशंस में से t को एलिमिनेट करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट करना है. तो उसके लिए क्या तरीका है? किसी एक में से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यहां पर इस t की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, x बाय 2. इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू t इज इक्वल टू x बाय 2 है, तो x बाय 2 का होल स्क्वायर और y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था जिसमें आपका y इज इक्वल टू t स्क्वायर या x इज इक्वल टू 2t, ये जो फॉर्म था पैरामेट्रिक फॉर्म, ये और ये एक ही चीज है. ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही चीज है. बस यहां पर हमने इन y और x दोनों को एक कॉमन वेरिएबल या एक कॉमन पैरामीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है. वो कॉमन पैरामीटर क्या है? t. तो y और x दोनों एक कॉमन पैरामीटर के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर दिए जाए तो उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन.